तो जो हमारे पास थर्ड डेफिनेशन आई उसके बाद जो हमारी वीडियो है वो है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो चलिए समझते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी से मुराद क्या है। इसकी माना जो होती है वो है वसत, यानी ये साइकोलॉजी कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। द स्कोप ऑफ सब्जेक्ट कैन बी यूजुअली डिस्कस अंडर द फॉलोइंग टू एड्स। किसी भी सब्जेक्ट का इसको मालूम करना हो तो ये दो प्रिंसिपल लाजम आपको याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट, द लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन, यानी वो कहाँ कहाँ पर उसके ऑपरेशन और एप्लीकेशन यूज़ होती हैं। द ब्रांचेज टॉपिक एंड द सब्जेक्ट मैटर विथ विच इट डील्स, यानी कि पहले तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेकिन जो दूसरी पॉइंट है वो ब्रांचेज हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, यानी कि जो साइकोलॉजी है वो किन किन ब्रांच में यूज़ होती हैं, किन किन जगहों पर यूज़ होती हैं, वो किन किन एप्लीकेशंस में यूज़ होती हैं। थर्ड ए सेकेंड ए वो है ब्रांचेस, क्या कौन कौन सी साइकोलॉजी की, उसके टॉपिक्स कौन से हैं, सब्जेक्ट मैटर किस चीज़ के बारे में करता है। द फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट साइकोलॉजी इज़ टू वे, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो उसका इसको बहुत ही ज़्यादा है, उसका यूजेज बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। It studies, describes and explains the behavior of the living organism. Here the terms behavior and living organism carry unusual wide meanings. देखें अब जो साइकोलॉजी है उसमें जो हम पढ़ते हैं वो दो चीज़ें पढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिहेवियर और लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अलग अलग माना निकाल रहे हैं। जैसे बिहेवियर इज टू यूज टू इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसिस, वेदर कॉग्निटिव हो, कॉग्निटिव हो, इफेक्टिव हो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, कॉन्शियस अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, यानी जितने भी बिहेवियर होते हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स से भी यही मुराद है, जितने भी लिविंग थिंग्स हो, बर्ड्स और इंसेक्ट्स हो, जितने भी हो वो भी हम इसी में पढ़ते हैं। यानी इस सब्जेक्ट का जो स्कोप है बहुत ही ज़्यादा है, अगर आपको अपने करियर के बारे में सब्जेक्ट चूज़ करना है तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह अब आगे चलकर हम साइकोलॉजी की यूटिलिटीज़ भी पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर स्कोप के साथ यूटिलिटी भी आती है, और उसके अलावा जो सब्जेक्ट साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं वो भी हम समझेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे चलकर साइकोलॉजी की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो आने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।